हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग सही होंगे। एक्चुअली टाइम ऐसा चल रहा है, ये कोविड का इतना न्यूज़ है, सब देखने में आ रहा है, इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम्स हैं और हम भी उस प्रॉब्लम से अछूते नहीं रहे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को भी कोविड हो गया था, तो अभी वो ठीक हैं। होली के दिन से उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, तो काफ़ी परेशान हो गई थी मैं। मेरे साथ तो दो बच्चे भी हैं छोटे, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा बेटा और बेटी। अब अचानक से हमें लगा उनको फीवर आया होली वाले दिन। मुझे तो अंदेशा था ही नहीं है फीवर किस चीज़ का है, तो मैंने मंजू को जगाया, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और मेडिसिन खाने के बाद मैं सो गया। मुझे याद है जब मैं चौपाटी पे बच्चों को लेके गया था उस दिन, तो बहुत ही अच्छे से मैं खेल रहा था, मैंने ड्राइव किया अच्छा खासा और बहुत ही अच्छी मस्ती पे मैंने बीच पर की, मैंने बहुत अच्छा वीडियो शूट किया अपना और बच्चों का, सब कुछ बहुत हैपनिंग था। मुझे लग नहीं रहा था कि इसके बाद क्या होने वाला है। उसके बाद नाइट में उनको 101 फीवर आ गया, 101 डिग्री तक उनका फीवर आ गया नाइट में। मुझे ये फील हो रहा था कि शायद मैं कल धूप में गया हूँ और वहाँ पे बर्फ़ के गोले खाए हैं और बहुत ही उछल कूद की है, इसकी वजह से हो सकता है कुछ हरारत आ गई हो। तो मैंने मंजू को बोला कि मुझे एक काम करो, कोई हरारत की मेडिसिन है वो मुझे दे दो। तो मैंने दो दिन हरारत की मेडिसिन खाई, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा बॉडी पेन ख़त्म नहीं हुआ। तो वो खुद से एक अलग रूम में सेपरेट हो गए, क्वारंटाइन हो गए, कि तब तक उनका टेस्ट भी नहीं हुआ था। फिर हम इधर उधर बात करते रहे, काफ़ी लोगों से बातचीत करी कि क्या खाएं क्या ना खाएं। इतना करते करते दो दिन निकल गए और ये 31 मार्च, और उनको फीवर अच्छे से आ गया, उनको बॉडी पेन बहुत था, फीवर बहुत था, और एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरे पैरों में दर्द एक्सट्रीम लेवल का पेन चालू हो गया और मुझे बर्दाश्त से बाहर हो गया। फिर मुझे लग गया शायद ये वायरल या फिर ऐसा ही कोई फीवर नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है। अब हम लोगों की तो हालत ख़राब हो गई, बाहर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बाहर पता चला कि ना कोविड हो कुछ और हो, बाहर जाने से इन्फेक्शन लग जाए। सबसे पहले मैंने अपने आप को आइसोलेट किया, अपने आप को मैंने क्वारंटीन कर लिया एक रूम में, और बच्चों को भी 12 से 15 फुट की दूरी पे कर दिया कि बच्चे लोग अंदर नहीं आएंगे रूम के। फिर भी बच्चों को मना नहीं कर पा रहा था, रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि ये क्या हो रहा है। तो मैं बच्चों से दूर ही था, अंदर ही अपना खाना पीना कर दिया और सारी चीज़ें शेयरिंग बंद कर दी। कंप्लीट मैंने अपने आप को एज ए कोविड पेशेंट मान लिया। मंजू ने काफ़ी हेल्प की और मंजू बार बार रूम में आने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद कोविड ना हो, लेकिन मुझे प्रिकॉशन रखना था, मुझे रिस्क नहीं लेना था 1% का। बीच में एक टाइम ऐसा आया कि मंजू को भी एक दिन फीवर आ गया, फिर मेरे समझ में आ गया कि 100% ये कोविड ही है, भले रिपोर्ट अभी नहीं आई है लेकिन ये कोविड ही है। 2 तारीख को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, बस रिपोर्ट पॉजिटिव आनी थी, 1%। वैसे उनके सिम्टम्स देख के हमें 99 हो गया था कि कोविड पॉजिटिव ही हैं, लेकिन 1% कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में था कि शायद कोविड ना हो, वायरल निकल जाए। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद तो मेरी हालत ख़राब हो गई। अब हालांकि इससे डरने वाला कुछ नहीं, हम लोग सावधानी अच्छे से रखते हैं। अगर हम मार्केट से कोई सामान भी लेके आते हैं तो सबसे पहले उसको हम 3 दिन तो यूज़ नहीं करते हैं, और अगर साग सब्जी भी है तो हम उसी हिसाब से मंगाते हैं कि उसका यूज़ हम 2 या 3 दिन में करें, और जो पकाने वाली चीज़ें हैं उसको हम पहले 2-3 पानी धोते हैं फिर यूज़ करते हैं। मैंने कहा कमर कस ली कि मैं उनके सामने हल्की नहीं पड़ूंगी, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे मुझे बहुत तकलीफ हुई कि अभी मैं सलाह लूँ किससे। तो मेरे एक भैया डॉक्टर हैं हमारे नेटिव प्लेस पे, मैंने उनको कॉल किया और ऑफिस कॉल किया कि भाई मेरा कोई डॉक्टर नहीं है, अगर कोई डॉक्टर किसी का है तो प्लीज़ मुझे बताया जो मुझे ऑनलाइन सपोर्ट कर सके। तो ऑफिस की डॉक्टर भी फटाफट आ गई ऑनलाइन, मैंने फ़ोन पे बात किया, उन्होंने बताया कि मुझे ये दवाइयाँ शुरू कर दीजिए खानी। उधर भैया का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल गया मुझे, उन्होंने एक पर्चा एक भेज दिया मुझे कि ये दवाइयाँ आप खाइए और इस पर्चे पे लिखे हुए तरीके से ही खाइए। 2 दिन उनका यही फीवर और बॉडी एक चलता रहा। उसके बाद 3rd डे उनकी सांस फूलनी स्टार्ट हो गई। जब 3rd डे उनकी सांस फूलनी स्टार्ट हुई है, 2 या 3 तारीख में, 2 अप्रैल में उनकी सांस फूलनी स्टार्ट हुई है, और सांस उनकी मेजर फूलने लगी थी, बात भी नहीं कर पा रहे थे, बोलते थे तो
सांस फूलती थी, उस टाइम पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई, मैं घबरा गई। वो टाइम था मेरा जब इनकी सांस फूली कि मैं घबरा गई थी। एक टाइम ब्रीदिंग बहुत ही ज़्यादा मेरी कम होने लगी और मैं बात भी नहीं कर पा रहा था। उस टाइम मैंने वीडियो भी नहीं शूट किया क्योंकि उस टाइम मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूँ। और मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है ना 96-97 कॉन्स्टेंट रहता था, फिर बीच में देखा कि मेरा ऑक्सीजन लेवल 89 और 90 तक आ गया। फिर मुझे डर लगने लगा कि ऑक्सीजन लेवल अगर गिर रहा है मैं कैसे सर्वाइव करूंगा और मैं कैसे ठीक होऊंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जाऊंगा कहाँ, मंजू मुझे कहाँ लेके जाएंगी और मेरे चक्कर में कहीं वो बीमार ना पड़ जाएं। फिर मैंने क्या किया, मेरे घर में बलून्स था तो मैंने उसको फुलाना शुरू कर दिया। अब उसके बाद 2 तारीख की नाइट में मुझे भी फीवर फील हुआ कि शायद मुझे भी फीवर है, हल्का सा सर में दर्द और फीवर। तो उस टाइम पे क्योंकि बच्चे मेरे साथ ही थे, अलग रूम में हम लोग थे और अलग रूम में ये थे, तो हमने क्या करा, हमने बच्चों को, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं बड़े, उनके यहाँ पर बच्चों को भेज दिया। और हाँ फिर बोल रही, मतलब कि हमारे बड़े पापा, अब आप सोचिए कैसी लाइफ थी, हस्बैंड अलग रूम में, मैं अलग, मेरे बच्चे कहीं और। तो वो जो मेंटल प्रेशर था उस टाइम पर कि बहुत ही मतलब अजीब सा था, एक तरीके से पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। और उस टाइम पीरियड में ये बेड पर बैठ भी नहीं पा रहे थे, तो मैं वो चीज़ देख देख के और ज़्यादा अपसेट हो जाती थी कि जब ये बैठ भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जो 18-20 आवर्स चेयर पर बैठ कर कंटिन्यू वर्क करते हैं और वो कंटिन्यू लेटे हुए हैं, वो बैठ ही नहीं पा रहे हैं, तो उनकी कंडीशन हम उसी चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं। मैं सिर्फ एक जगह लेटा था बिस्तर पे और सिर्फ लेटा ही रहता था, उठने और बैठने की भी शक्ति नहीं थी मेरे अंदर, कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका था। और खाना भी मेरे पेट में नहीं जा रहा था, मुँह में नहीं जा रहा था, खाने का टेस्ट मेरा नहीं गया था, ना ही मेरी स्मेल गई थी, लेकिन खाने में इतनी ज़्यादा कड़वाहट मुझे लग रही थी कि वो मैं खा नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने बोला, मैं इधर बोलते बोलो, तो फिर मेरे पापा ने बोला कि चल बेटा आप खिला, तो मैं बोली खुद से नहीं खा सकते क्या, बच्चे हो क्या। मैं खा नहीं पा रहा था, उसके बावजूद भी मैं किसी भी तरीके से अपने आप को कमज़ोर नहीं करना चाह रहा था कि कमज़ोरी की वजह से मेरी तकलीफ मेरी और बढ़े। तो मैं जबरन खा रहा था, मैं आँख बंद करके खा रहा था, पानी पी पी के खा रहा था, लेकिन मैंने खाना बंद नहीं किया क्योंकि मुझे लग गया था कि अगर मैंने खाना बंद कर दिया तो फिर तकलीफ़ें और बढ़ जाएंगी। एक दो उसके बाद इनको ये जरा सा सब बोलें अपने, मैं खाना क्या था रूम में कॉर्नर पर एक स्टूल रखा हुआ था, स्टूल पर मैं खाना रख देती थी, वहाँ से ले लेते थे, मतलब बिल्कुल इन्होंने उस रूम को बिल्कुल बंद कर दिया था, बिल्कुल मेरा जाना बंद था उस रूम में, ये खुद ही नहीं आने देती थी। हमने कैमरा लगा लिया था रूम में, देखना होता था तो इनको कैमरे से देख लेती थी, और कभी कभी मन नहीं मानता था तो गेट पर खड़े होकर थोड़ा बहुत इनसे बात कर लेती थी। मुझे पता था प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन मन नहीं मानता था। कई बार तो घंटों मेरे घर के मेरे रूम के ठीक सामने मैंने पन्नी लगा दी थी, प्लास्टिक की पॉलीथीन लगा दिया था मैंने एक पर्दे के रूप में कि भाई उधर की कोई हवा इधर ना आए। घंटों वो स्टूल डाल करके और वहाँ पे बैठी रहती थी, और शायद उनके अंदर एक उम्मीद भी थी कि कहीं मैं उनको अंदर ना बुला लूँ कि भाई आ जाओ अंदर बैठ जाओ, लेकिन मुझे किसी भी तरीके से रिस्क लेना नहीं था क्योंकि एक दो दिन पहले ही इनको भी बॉडी पेन चालू हुआ और थोड़ा सा हेडेक भी हुआ। तो मैं थोड़ा डर गया कि नहीं भाई रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा हार्ड ही बन के रहना है, किसी भी तरीके से संपर्क में नहीं आना है, गलती से भी अगर इन्फेक्टेड हो गई ये तो फिर बहुत तकलीफ होने वाली है आगे, क्योंकि मैं बेड पे हूँ ऑलरेडी और ये भी इन्फेक्टेड हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं अभी आप अंदर नहीं आओगी, जो थोड़ा बहुत अंदर आना भी था, अभी आपको बिल्कुल अंदर नहीं आना है, आपको पर्दे के बाहर भी नहीं बैठना है, आपको किचन में काम करना है और सीधे हॉल में जाना है। उसके बाद खैर टचवुड 4-5 दिन बाद इनकी सांस फूलने लगभग बंद हो गई और ये नॉर्मल लाइफ में आने लगे। जो डॉक्टर्स ने रिकमेंड की थी मेडिसिंस वो इन्होंने खाई और लगभग ये 8 अप्रैल तक, ये बिल्कुल रिकवर वाली 8 और 9 अप्रैल तक ये रिकवर वाली हालत में आने लगे थे, रिकवर होने लगे थे। तब जाके मुझे रिलैक्स फील हुआ, और मुझे जब फीवर फील हुआ था तो मैंने भी मेडिसिन ले ली थी जो मल्टीविटामिन्स वगैरह हैं,
तो मैं तो फिर एक दिन मुझे हल्का सा फीवर, मेरी टेम्परेचर में फीवर नहीं आया था, मैंने टेम्परेचर लिया तो उसमें फीवर नहीं था, लेकिन मुझे फील हो रहा था। वो हो सकता है कि शायद टेंशन में थी, लोड था, वो भी हो सकता है, लेकिन मैं फ़िलहाल ओके रही, मुझे कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई और ये भी 8-9 तारीख तक ठीक हो गए। अब उसके बाद अभी तक तो क्वारंटाइन ही हैं, अभी देखिए टेस्ट होगा इनका, फिर नेगेटिव रिपोर्ट आएगी, बच्चे भी बुला लिए फिर उसके बाद हमने वहाँ से, लगभग एक हफ्ता बच्चों को मैंने अलग रखा 1 वीक, उसके बाद बच्चों को बुला लिया। अब आज की डेट में हम देख रहे हैं बाहर इतनी ज़्यादा मारामारी हो गई है कि ऑक्सीजन नहीं है, मेडिसिंस नहीं है और बेड्स नहीं है, मतलब देखा जाए तो मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल बहुत ही कम होती जा, और वो कम नहीं हो रही है एक्चुअली पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। जब पेशेंट्स इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है मेडिकल फैसिलिटीज़ तो कम पड़ेंगी ही। इसमें तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि कोरोना नहीं है, अरे नहीं भाई, जब तक नहीं होता है खुद को तब तक नहीं है, जिस दिन हो जाएगा उस दिन मालूम पड़ेगा कि कोविड क्या है। तो उस दिन के आने का वेट ना करें, आप ध्यान रखें, प्रॉपर प्रिकॉशन लें। हम लोग तो पहले से अलर्ट थे, बहुत ज़्यादा अलर्ट थे, नीचे कभी गए अगर कुछ लेने तो वापस आके फौरन नहाना, कपड़े फौरन चेंज करने, कोई अगर जैसे कोरियर वगैरह कभी आते हैं उसको सैनिटाइज़ करना, हैंड वॉश करना। लेकिन उसके बावजूद भी ये ना जाने कहाँ से मैं इन्फेक्टेड हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। यही कहना चाहूँगी कि सेफ रहें, घर में रहें, जितने भी आपका सेफ्टी के मेजरमेंट्स हैं उनको सब लोग फॉलो करें, जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की आपकी सेफ्टी के लिए उनको फॉलो ज़रूर करें। अगर कोई काम नहीं है तो ट्राई करें घर से ना निकलें, बहुत ही ज़रूरी काम से घर से निकलें और अपने आप को बचाएं, आप सुरक्षित रहेंगे, घर सुरक्षित रहेगा और ये जग सुरक्षित रहेगा। तो बस यही सारे मेरे थे उस टाइम पर जो मैंने फेस किया, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, खैर ईश्वर ने मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दिया, भगवान सभी को निकाल दे, सभी की रक्षा करें।